ये अब बात देखें, अब ये लेटेस्ट खबर है कि जो बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो ट्रांसजेंडरिज्म और होमोसेक्सुअलिटी, जो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, अभी तो बाकी शहरों की तो बात ही नहीं हुई, कि वहां पे कितना ज्यादा शार्प राइज हुआ है. सो बिफोर यू स्टार्ट पुशिंग दिस ट्रांसजेंडर एजेंडा एंड ऑल दैट, जरा थोड़ा सा ना फैक्ट्स ऑन ग्राउंड भी अगर इंसान देख ले तो जरा समझ आ जाती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इवन फ्रॉम यानी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो है ही गलत, वो तो कोई शक नहीं, बट इवन फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली डिजास्टर. एंड यू वर सेइंग दैट इट वर इट हैज नथिंग टू डू विद होमोसेक्सुअलिटी एज वेल. जी पहले वो दिस इज एग्जैक्टली दैट उनका क्लेम ये था कि जी इसमें होमोसेक्सुअलिटी की तो बात ही नहीं, हम तो ट्रांसजेंडरिज्म को करना. तो वो कह रहे हैं ट्रांसजेंडर ही 40-45% इज मेन हैविंग सेक्स विद मेन, बाकी सारे ट्रांसजेंडर. हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अल्लाह सुब्हान तआला का कोई भी बनाया हुआ कानून हमारी इंसानियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए. अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे ना तो फिर ये हालात होंगे, ये स्टैट्स निकलेंगे बाहर. रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में अचानक से एड्स के केसेस बहुत बड़ा एक सर्ज देखा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और मैं अभी पिछले दिन अखबार पढ़ रहा था तो ऑलरेडी ग्लोबल फंड ने और इवन हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने पैसे एलोकेट कर दिए हैं फंड्स एड्स प्रिवेंशन के लिए. सही. तो इसको भी देखने की जरूरत है. अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है, सस्पिशन ये भी है कि शायद इन्होंने अब, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इनकी खुल गई, इनका प्लान खुल के सामने आ गया, अब इनको मेरे ख्याल में फंड्स की भी ज़रूरत है. ये भी अहम मुमकिन है, इसके लिए भी हमें आके खुल रखनी पड़ेगी कि शायद इन्होंने कहा कि यार अब किसी ना किसी चीज़ को फंड्स दो. अब बात खुल गई है लेकिन आप पीछे नहीं हट सकते, तो अब वो एड्स के वो और फिर दोबारा पैसे और फंड फनल करें, तो इसको भी देखने की जरूरत है. ये वो हट के रहा था कहीं पे कि ये भी एन मुमकिन है. मुझे आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त दानियाल भाई जिक्र कर रहे हैं कि एक होमोसेक्सुअल्स का टोला है, एक होमोसेक्सुअल्स की अलायंस है, नाज मेल हेल्थ के नाम से हो या ये जो कासिम इकबाल का नाम लिया या जो भी उनके साथ उनके आगे फॉलोअर्स हैं, वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आपको लगता है कि ये वाकई में जो दानियाल भाई कह रहे हैं ये बात हकीकत पर मबनी है कि वाकई में इन लोगों ने इसी तरह से कोई हम जिन प्रस्तों का टोला था और वो जो है वो कहीं से फॉरेन फंडिंग के चक्रों में इसको हाईजैक करके खुद सामने आके अब अपने आप को ख्वाजा सरा जाहिर कर रहे हैं और ये मूरत मार्च हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है और पीछे जो असल लोग थे जो बेचारे डाउन ट्रॉडन तबका था उनको पूछने वाला कोई नहीं है, हर किसी ने उसको यूज़ ही किया. मतलब अभी हम जो इस बात का रोना रो रहे हैं वो ये कि हर कोई यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है अपने मज़े की चीज़ें लेके वो फिर आगे निकल जाता है. तो क्या आपको लगता है ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है. हाईजैक हुआ है जब मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये मूवमेंट शुरू की थी. उस वक्त कोई क्वारसरा के लिए कोई निकल भी नहीं रहा था, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था. सही. हमने ख़ुद पहले ही इसको मैंने आवाज़ बना के उठाई तो ये कासिम साहब उस वक्त बिल्कुल ही इन थे, आए नए नए थे और मेरे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे. सही. एक लैला नाज है वहाँ पर रहती हैं, साथी फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है लैला नाज, वो भी हमारे क्वारसरा ही है. उनके थ्रू ये बात चली. मैं इन चीज़ों में क्योंकि रजिस्टर्ड करवा बैठी थी यहाँ से इस्लामाबाद से इस बात को आगे चलाने के लिए बाकायदा तरीके से कि भाई होना क्या चाहिए. उन दिनों में ये कि भाई सब ने अपनी अपनी एनजीओ बनाई है, औरतों ने बच्चों के नाम पे मुंशियात के ऊपर उसके ऊपर, तो क्यों ना मैम, क्योंकि हमारा एक अलहदा मसला है, हम बीच में शामिल ना ही हों तो बेहतर है किसी के अंदर ना. अपने आप को एक तो पहले नंगा खुद करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करनी पड़ेगी, अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो बाद में देखी जाएंगी. जिन चीज़ों को हम अच्छा समझ रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए अच्छी ना हो. तो यही चीज़ें चेक एंड बैलेंस के लिए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया. उसमें सबसे पहले मुझे इन्होंने ही ऑफ़र की कि आप भी ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को करें. अच्छा. और ये तो मुझे भी पता था सेक्स वर्किंग हो रही है और इस तरीके से बड़ी बेहतियाती हो रही है, तो मैंने उसको सीरियस लिया कि नहीं यार ये ठीक कह रहे हैं, इसी के ऊपर काम करना चाहिए. तो पहले ही जो मुझे मिला वो नेशनल एड्स कंट्रोल पंजाब की तरफ से मिला, एक साल का प्रोजेक्ट मिला कि आप ये हैं और मुझे उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया. वो चार और भी मुझे पीयर एजुकेटर दिए कि भाई आप अपनी मर्जी से फारसर जो डेरा डूर पर जाके इनको ये अगाई देंगे. तो शुरू किया, जैसे शुरू किया डेरों पे जाना शुरू किया, उनसे शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं. अब ज़ाहिर सब मेल के थे ना, शनाख्ती कार्ड भी मेल के थे और वो पहले ही छुपे हुए थे, डरे हुए थे. वो कहते क्यों दें हम शनाख्ती कार्ड और ये है ना, हमारे तो घर पता लग जाएगा, हम तो घर से बहाने करके निकले हुए हैं. सेक्स वर्कर सारे तकरीबन यही थे ना, जो बिल्कुल खुल डुल के काम कर रहे थे. तो वही कंडोम के डब्बे दे देते थे कि सुबह सुबह जा रहे हैं उनके डेरे, उनको ये देकर आए कि आप सेफ सेक्स करें, क्योंकि आपने उनको मना नहीं करना. मैं ये चाह रही थी कि भाई इनको इनको रोकना चाहिए, किसी तरीके से अवेयरनेस मिलेगी
कि भी एड्स हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं, मगर उन्होंने कहा कि आपने इनको डब्बे देने, वो डब्बे आने शुरू हो गए कंडोम्स के। अच्छा, ये थोड़ी सी बात समझने के लिए, एन जी ओज की तरफ से बाहर से जो फंडिंग आ रही है वो आपको कंडोम्स के डब्बे दे रहे हैं, वो बाहर से मुझे नहीं आई क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची थी। अभी मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, 6 महीने के प्रोसेस में गई थी रजिस्ट्रेशन में, उनकी रजिस्टर्ड हो गई थी नाज वालों की, कासिम वाले आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है इनको रोकना नहीं है, उनके बस ये सेफ सेक्स करें। अभी कोई अलमास वो भी कोई ख्वारसरा भी बाहर भी नहीं आया, बाहर भी नहीं आया, वो मैं ही एक नज़र आई कि इस्लामाबाद में जाके उन्होंने किए, मुझसे रब्ता किया क्योंकि मैं ख्वारसराओं के साथ पूरे पाकिस्तान फिर के आके फिर इस्लामाबाद बैठी थी ना, सही, मुझे सब जानते थे, ठीक है, मुतनाज़ शख्सियत भी थी, सही, ठीक है ना, उस वजह से भी और फैल गई बात की, कशिश ने भी कह दिया, मगर वो जब मैंने 3-4 सालों में वो चीज़ें जब खुल दी गई, ऐसा ऐसा उनको बेनिफिट मिलने शुरू हुए, वो उसमें भी जब हमने देखा कि ये तो सिर्फ उनको सेक्स ख़त्म नहीं कर रहे, उसके बारे में मज़ीद आगाही दे रहे हैं कि सेफ सेक्स कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और बल्कि उनको सेक्स वर्किंग का भी अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं मगर कंडोम के साथ, अगर आप एड्स नॉमिनेट हो गया फिर भी वो सेक्स वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, यही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने, यानी कि उनकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ना उसमें वो इन्होंने कहा इनको मना ना करें अगर वो सेक्स कर रहे हैं तो, मगर एहतियात कर लें, उसका बेहतरीन तरीका कंडोम यूज़ करना है, कंडोम के बगैर ना करें। हमने कहा यहाँ तो सेक्स वर्कर आम गली मोहल्ले में इधर उधर फिर रहे हैं रोडों पे, वो कंडोम कहाँ से यूज़ करेंगे और हैं भी एड्स के नॉमिनेट हुए हैं और आप उनको ये कर रहे हैं और फिर उनका इलाज भी कोई नहीं है, कितने खतरनाक। तो ये हर लिहाज से रुके ना, आपका ये इंसानी हक है, आप जो मर्जी करें, आप मेडिसिन ले लें ये वाली, ये टीके लगाया करें, यहाँ आपका वो जो कीड़ा है एड्स का जरासीम वो वहीं स्टे कर जाएगा, यहाँ पर एक बहुत फ्रीज हो जाएगा। पॉइंट नोट कर देगा, इसका मतलब ये है कि एड्स प्रिवेंशन में असल मकसद एड्स प्रिवेंशन नहीं था, असल मकसद एड्स प्रिवेंशन होता तो एक बंदा जिसको एड्स हो गया उसको तो सेक्स के करीब भी नहीं जाना चाहिए, उसको तो बिल्कुल क्वारंटाइन कर देते ना, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको भी आप कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं लेकिन आप एहतियात कर लें, तो इसका मतलब है कि आपका असल मकसद कुछ और है।